हेलो दोस्तों, आज चैप्टर टू राजा किसान और नगर हिस्ट्री का जो ये पार्ट है उसके बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तरी यानी कि एमसीक्यू क्विज लेके आए हैं किंग फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर टू से। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसमें क्वेश्चन आएंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, साथ में काउंटडाउन चलेगा और इसके साथ ही जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे उसके बाद आपके पास सही आंसर आएगा। आप अपने आंसरों के टोटल चेक करिए कि कितने आपके आंसर ठीक हैं। इससे पहले वाले भाग में हम जो हैं 20 क्वेश्चन और कर चुके हैं, तो इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर हो जाता है और मेरा दावा है कि इन 40 क्वेश्चनों से बाहर या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनाया जा सकता। तो इन 40 क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आप एमसीक्यू ही नहीं बल्कि बड़े क्वेश्चनों के भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स में शामिल कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अब आ रहा है। तो ये जो है इस आजकल चित्र वाले क्वेश्चन भी CBSE पूछ रही है, तो इसीलिए चित्र वाले 6 क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सिक्का जो है ये किसने जारी किया, तो यानी कि द अबव कॉइन इशूअर इज़ ए सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी जो है हिंद यूनानी शासक मेनांदर यानी कि इंडो ग्रीक रूलर मेनांदर, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और डी जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी हिंद यूनानी शासक मेनांदर। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य में हलवाहा कहलाते थे, हलवाहा का मतलब हल चलाने वाला, तो हलवाहा क्या कहलाते थे, इन द संगम लिटरेचर इट वाज कॉल्ड हलवाहा, तो ए जो है उलवर, बी शेट्टी, सी किसान यानी कि फार्मर और डी दास। तो ये आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए उलवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी चित्र आधारित है, इसमें ये एक सिक्के के 2 पहलू दे रखे हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त कुषाण सिक्के के दोनों पहलू में किसको दिखाया गया है, तो हु आर शोइंग द टू साइड्स ऑफ द अबव कुषाण क्वाइन, तो ये एक पहली साइड और ये दूसरी साइड किसको दिखाया गया है, ए जो है कनिष्क कोई देवता और दूसरा है कनिष्क या गौतम बुद्ध, सी जो है बाबर और कनिष्क, डी जो है कोई योद्धा और गौतम बुद्ध। तो इनके में से सही आंसर देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए कनिष्क और दूसरा है यानी कि ये कनिष्क है और ये दूसरा जो इसका है कि दूसरे पहलू पे हैं वो कोई देवता का चित्र है। तो कुषाण लोग जो हैं सिक्के के एक तरफ कनिष्क जो इनके महान सम्राट हुए उनका चित्र छपता था और दूसरी तरफ जो है इनके किसी देवता का चित्र छापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इन संगम लिटरेचर दास वाज कॉल्ड यानी कि संगम साहित्य में दास को कहा जाता था, ए अन्निमई, बी वेलार, सी शेट्टी, डी सर्वेंट। तो इसका मतलब अन्निमई, वेलार, शेट्टी और नौकर, इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है कि दास को इसमें संगम साहित्य में अन्निमई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी चित्र आधारित क्वेश्चन है, इसमें जो है ये सिक्के दे रखे हैं, तो इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, द अबव कॉइन्स आर कॉल्ड, तो ए आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क कॉइन, बी योद्धे सिक्के और सी जो है कुषाण सिक्का यानी कि कुषाण क्वाइन, डी जो है यूनानी सिक्का यानी कि ग्रीक क्वाइन। तो इन सिक्कों में ये सिक्के क्या कहलाते हैं, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, उसके लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है आहत सिक्का यानी कि पंचमार्क क्वाइन। ये पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के जो हैं किसी धातु के ऊपर चोट मारकर यानी कि प्रेशर डालकर उसके ऊपर दबाकर जो है धातु के ऊपर उभरे हुए ये चित्र बनाए जाते थे, तो इसीलिए इनको आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें किसी एकमात्र महिला द्वारा प्रदत्त दानात्मक अभिलेख डैश के प्राप्त हुए हैं,
जो कि आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी, उसका विवाह दक्षिण पठार के डैश परिवार में हुआ था। तो एक साथ तीन क्वेश्चन इसमें आपके पास आ रहे हैं, आपको बताना है इन तीनों में क्या खाली स्थान पे भरा जाएगा। तो इसमें ए जो है वो है प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय व काटक, बी जो है लक्ष्मीबाई पेशवा बाजीराव, सी और ये मराठा, और सी में है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश गुलाम वंश, और डी जो है सुल्ताना बेगम हुमायूं मुग़ल। तो इसमें से सही आंसर देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है प्रभावती चंद्रगुप्त वाकाटक, यानी के पहले वाला ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो प्रभावती वो पहली महिला थी जो कि चंद्रगुप्त जो महान सम्राट हुए हैं उनकी पुत्री थी, और इनका विवाह जो है वाकाटक नरेश के परिवार में हुआ था। तो इसी ये जो प्रभावती एकमात्र महिला थी जिन्होंने दानात्मक अभिलेख दिए हैं, यानी कि इन्होंने जिन जो लोगों को दान दिए उनको अभिलेख के रूप में उनका नाम प्रभावती का भी उस पर अंकित है। तो एकमात्र महिला हैं जिनके दानात्मक अभिलेख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ जो कच्चे माल को खरीदती, सामान तैयार करवाती और बाज़ार में बेचती थी कहलाती थी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स हु यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल मेक गुड्स एंड सेल देम इन द मार्केट वर कॉल्ड। तो ए है गुटबंदी यानी के फैक्टलिज्म, बी श्रेणियां यानी के कैटेगरीज, और सी जो है व्यापार संघ यानी के ट्रेड यूनियन, और डी है व्यापार मंडल यानी के बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी श्रेणियां यानी के कैटेगरीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है उपरोक्त तांबे की वस्तु क्या है, ये जो तांबे की वस्तु है और इसमें ये पट्टियां सी दिखा रखी हैं, और इनको पढ़ने के लिए इसके ऊपर कुछ सफ़ेद रंग का पदार्थ लगाया गया है, वैसे ये पूरी तांबे की है। तो ये व्हाट इज़ द कॉपर ऑफ द अबव, ये कॉपर की जो स्क्रिप्ट्स हैं ये क्या हैं। तो ए जो है तांबे का छल्ला यानी कि कॉपर रिंग, बी है कर्नाटक में प्राप्त ताम्र पत्र अभिलेख यानी कि कॉपर शीट आर्टिकल रिसीव्ड इन कर्नाटका, सी जो है सम्राट की मोहर यानी कि एम्परर सील, और डी जो है सजावट की वस्तु यानी कि डेकोरेशन आइटम। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में प्राप्त ताम्रपत्र लेख। क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तुवन सत्यवा और शेट्टी ये तीनों शब्द किन के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, फॉर विच वर्ड्स वर मस्तुवन सत्यवान एंड शेट्टी यूज्ड। ए किसानों के लिए यानी कि फॉर द फार्मर्स, बी राजवंशों के लिए फॉर डायनेस्टीज, सी सफल धनी व्यापारी यानी कि सक्सेसफुल रिच बिजनेसमैन, और डी जो है मूर्तिकार यानी कि स्कल्पचर। तो इसमें सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी सफल धनी व्यापारी यानी के सक्सेसफुल रिच बिजनेसमैन। तो इनको इन तीनों नामों से अलग अलग भाषाओं में पुकारा जाता था। ये चित्र वाला प्रश्न जो है फिर से आ गया है, इसमें एक सिक्का दे रखा है, उसके दो पहलू दे रखे हैं। तो उपरोक्त सिक्का किस राजवंश ने जारी किया, यानी कि विच डायनेस्टी इशूड द अबव कॉइन। ए मौर्य वंश यानी कि मौर्य डायनेस्टी, बी कुषाण वंश यानी कि कुषाण डायनेस्टी, सी गुप्त वंश यानी कि गुप्त डायनेस्टी, और डी सातवाहन वंश यानी कि सातवाहन डायनेस्टी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमन साम्राज्य में भारत में किस सामान की भारी मांग थी। तो इसके लिए ए जो है काली मिर्च जैसे मसाले यानी के स्पाइसेस लाइक पीपर, और बी जो है कपड़े यानी के क्लोथ, सी जड़ी बूटियां यानी के हर्ब्स, और डी उपरोक्त सभी यानी के ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियों की यूरोप के बाज़ार में रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी में किन शासकों ने जारी किए थे? गोल्ड क्वाइंस वर फर्स्ट इशूड बाय डैश रूरल इन द फर्स्ट सेंचुरी, ए गुप्त और बी कुषाण, सी मौर्य और डी सातवाहन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी कुषाण। तो कुषाण राजाओं ने सोने के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे सिक्के मिले हैं जो कि डैश से निर्मित थे। योद्धे क्वाइंस हैव बीन फाउंड इन एरिया लाइक पंजाब एंड हरियाणा विच वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो ये किससे बने होते थे? ए सोना यानी कि गोल्ड, बी चांदी यानी कि सिल्वर, सी कांसा यानी कि ब्रॉन्ज और डी जो तांबा यानी कि कॉपर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है डी तांबा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, इसके कारण थे। इन द सिक्स सेंचुरी एडी गोल्ड क्वाइंस वर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस, इन कारणों से ये कम हो गए। ए आर्थिक संकट आ गया यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, बी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया यानी कि फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, सी नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय हो गया यानी कि राइज ऑफ न्यू सिटीज़ एंड न्यू सिस्टम्स ऑफ ट्रेड, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी के ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कौन सी लिपि है, यानी के विच स्क्रिप्ट इज द ओरिजिन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस, ए ब्राह्मी लिपि यानी के ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बी देवनागरी लिपि यानी के देवनागरी स्क्रिप्ट, सी गुरुमुखी और डी खरोष्ठी लिपि यानी के खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में मदद किससे मिली, तो हु हेल्प्ड टू रीच द खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ए यूनानी शासकों के सिक्कों से यानी कि फ्रॉम द क्वाइंस ऑफ ग्रीक रूलर्स, बी कुषाण सिक्कों से यानी कि कुषाण क्वाइंस, सी गुप्त सिक्कों से यानी कि गुप्त क्वाइंस और डी जो है इंडो ग्रीक क्वाइंस यानी कि हिंद यूनानी सिक्कों से। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी हिंद यूनानी सिक्कों से यानी कि इंडो ग्रीक क्वाइन से, क्योंकि ये जो दोनों ये हिंद यूनानी जो शासक थे ये भारतीय भाषा में खरोष्ठी लिपि में लिखते थे, और साथ ही जिस राजा अपने यूनानी शासक का नाम यूनानी भाषा में भी लिखते थे क्योंकि यूनानी भाषा पढ़ी जा सकती है, इसीलिए उसके जो है शब्दों की मदद से उनके जो अंक वगैरह है उनके अक्षरों की मदद से जो खरोष्ठी लिपि हैं उनको पहचाना जा सका और पढ़ने में मदद मिली। तो इस तरह से हिंद यूनानी सिक्कों की मदद से इनको खरोष्ठी लिपि को पढ़ना संभव हो पाया। क्वेश्चन नंबर 18 है, देव नाम प्रिय किस भारतीय राजा की उपाधि थी, यानी कि विच इंडियन किंग वाज द टाइटल ऑफ देव नाम प्रिय, तो ए अकबर, बी हर्षवर्धन, सी कुषाण, डी अशोक। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय का भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि दी गई मूर्ति किस महान शासक की है, ये जो मूर्ति दे रखी है ये किस महान शासक की है, द स्टैचू गिवन इज ऑफ विच ग्रेट रूलर, तो ए है कनिष्क, बी अशोक, सी पुलकेशिन द्वितीय यानी कि पुलकेशिन सेकंड और डी जो है हर्षवर्धन। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका उत्तर है ए कनिष्क। तो ये कुषाण शासक थे, कनिष्क इनकी ये मूर्ति है जो कि मथुरा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज द धम्म महामाते, यानी कि धम्म महामाते कौन थे। ए प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, बी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, सी धम्म प्रचारक और डी जो है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी धम्म प्रचारक। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजगा यानी के राजगीर का अर्थ है, यानी के राजगा राजगीर मीन राजा के घूमने की जगह यानी के किंग प्लेस ऑफ विजिट, बी राजा का घर यानी के किंग्स हाउस, सी राजमिस्त्री यानी के मैसन्स और डी जो है गुप्त बात यानी के सीक्रेट टॉक। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी राजा का घर यानी के किंग्स हाउस। तो अब आप अपने स्कोर को कलेक्ट को टोटल करके देखिए कि आपका स्कोर कितना आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसका लाइक का बटन दबाइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।